नमस्कार दोस्तों, ब्लेस स्टार्टअप में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फार्मा इंडस्ट्री के ग्रोथ से संबंधित कुछ प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने ब्लेस स्टार्टअप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाएं। दोस्तों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भारत में एक बड़ी इंडस्ट्री है। वहीं दोस्तों भारत ने 2019 के आंकड़ों के हिसाब से लगभग $14.8 बिलियन का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया था। इस सूची में दोस्तों जर्मनी ने 6.9 बिलियन का फार्मास्यूटिकल ड्रग और मेडिसिन का एक्सपोर्ट कर सूची में पहला स्थान प्राप्त किया था। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आखिर है क्या। दोस्तों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मेडिसिन, ड्रग जो कि दवाइयों के रूप में उपयोग होते हैं, वैक्सीन और मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित प्रोडक्शन होती है। दोस्तों भारत की फार्मा इंडस्ट्री की वर्थ 2020 तक लगभग $41 बिलियन है। दोस्तों भारत में तेलंगाना स्टेट को भारत का फार्मास्यूटिकल हब कहा जाता है। ये स्टेट 35-14% नेशनल फार्मा प्रोडक्शन में योगदान देता है। वहीं दोस्तों गुजरात भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लगभग 33% योगदान देता है। वहीं इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट में 28%। इसके बाद दोस्तों मेजर कंट्रीब्यूट महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरला करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल मेडिकल इक्विपमेंट के क्षेत्र में काफी पिछड़ा है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। दोस्तों COVID-19 का समय भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए एक बड़ा अवसर बनकर आया है। हैदराबाद दोस्तों भविष्य में वैक्सीन कैपिटल बन सकता है। किसी विशेष वीडियो में दोस्तों इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों भविष्य में हम इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और इसके भविष्य में क्या ग्रोथ होगी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों अब पॉइंट पे आते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट 2018 से ही उत्तर प्रदेश की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए अग्रसर है और बहुत सारे स्कीम्स लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए दोस्तों योगी गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पॉलिसी 2018 बनाई। दोस्तों उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 24 मई 2020 को स्टेटमेंट दिया कि उत्तर प्रदेश में फार्मा मेडिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में फार्मास्यूटिकल पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण करने जा रही है। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एनुअल फार्मा मार्केट 19 बिलियन रुपी है। वहीं दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पॉलिसी 2018 लाई। दोस्तों ये पॉलिसी गुजरात, उड़ीसा, तेलंगाना की सक्सेस पॉलिसी की केस स्टडी करके बनाई गई है। वहीं दोस्तों जून में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की फार्मा इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वाले लोगों से पॉलिसी से संबंधित सुझाव मांगे। इससे दोस्तों ये साफ है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फार्मा इंडस्ट्री को इतनी प्रायोरिटी दे रही है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में मेडिकल इक्विपमेंट की मांग बहुत ज्यादा हो गई है। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल इक्विपमेंट का डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों इसी कड़ी में बुंदेलखंड में एक फार्मास्यूटिकल पार्क प्रस्तावित है। वहीं दोस्तों कुछ शहरों में मेडिकल डिवाइस पार्क प्रस्तावित है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप दोस्तों चाहेंगे तो हम फार्मा पार्क्स और मेडिकल डिवाइस पार्क्स जो कि उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है इस पर एक विशेष वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया तो लाइक और फॉलो करें और दोस्तों हमारे चैनल विलेज स्टार्टअप को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो देखने के लिए।